चलो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, और मैं यहाँ पे काम क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं, यदि तुम्हें याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था लॉग इन पेज बनाना, कि हम लॉग इन पेज कैसे बनाते हैं और इसको यूज़ करके हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आज मैं इसी की कंटिन्यूटी में शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अभी हम बनाते हैं एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और उस फॉर्म से डेटा को एक्सेस करके देखेंगे। हमने ऑलरेडी बताया था ये, लेकिन मैं फिर से इसे बता रहा हूँ क्योंकि उस सेशन में आप भी अवेलेबल नहीं थे। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म यदि मुझे बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा लॉग इन पेज है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक सबसे पहले एक फॉर्म डिज़ाइन ऐड करता हूँ, और मैं यहाँ पे फॉर्म ऐड कर लेता हूँ, विंडोज़ फॉर्म। ये रहा जी हमारा फॉर्म टू, मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। और ये जो हमारा फॉर्म टू है, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आप काम स्टार्ट करो तो थोड़ा तरीके से स्टार्ट करो। ये जो हमारा फॉर्म टू है, फॉर्म टू के ऊपर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर्म वन का ये जो लेबल है और ये है और ये है, इस तीनों को मैं कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ और फॉर्म टू के ऊपर चिपका देता हूँ। भाई कम से कम जो हमारा लेबल वगैरह है वो तो आ जाए, वहाँ पे हेडिंग्स वगैरह तो आ जाए, और मैं इसको भी यहाँ पे कॉपीराइट को भी उठा के मैं यहाँ पर डाल दूँ। ठीक, अब सबसे पहले मैं अपने प्रॉपर्टीज में आता हूँ। मुझे बनाना है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट में आता हूँ, और टेक्स्ट में मैं यहाँ पर डालता हूँ एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैं यहाँ पर डालता हूँ एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम भी डाल देता हूँ, ईएमएस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो मुझे पता चल रहा है कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा फॉर्म है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हमारा ये जो फोर कलर है मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर फोर कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं फॉन्ट ले लेता हूँ बरदाना, और मैं यहाँ पे साइज ये ले लेता हूँ, और मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं इसका कलर ले लेता हूँ ब्लू। फ्लोर कलर या तो ब्लैक रहेगा या ब्लू रहेगा। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड कलर, जो हमारा फॉर्म का बैकग्राउंड कलर है, मैं वाइट रख लेता हूँ। और हम यहाँ पे इसकी स्टार्ट पोजीशन बॉर्डर स्टाइल को भी मैं चेंज कर देता हूँ, मैं फिक्स टूल विंडो कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्टार्ट पोजीशन। स्टार्ट पोजीशन को मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेंटर स्क्रीन। तो ये सारा काम मैंने यहाँ पर कर दिया, और मुझे अब यहाँ पे क्या लेना है, अपने यहाँ पे फॉर्म्स डिज़ाइन करने हैं मुझे। तो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आप यहाँ पे क्या रखोगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ग्रुप बॉक्स ले लेता हूँ, और जब कभी भी मल्टीपल कंट्रोल लेना हो तो यहाँ पे ग्रुप बॉक्स डाल लिया करो। तो मैं यहाँ पे एक ग्रुप बॉक्स यहाँ डाल देता हूँ, और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी मैं एक ग्रुप बॉक्स और डाल देता हूँ, क्योंकि एक ग्रुप बॉक्स में हमारा काम होगा नहीं। तो मैं यहाँ पे दो ग्रुप बॉक्स ले लेता हूँ, दोनों के ऊपर मैं अपने कंट्रोल्स वगैरह को अरेंज कर लूँगा। और ये जो दोनों ग्रुप बॉक्स हैं, दोनों को मैं एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके प्रॉपर्टीज में आके इसका कलर चेंज कर देता हूँ। जो बैक कलर है ये थोड़ा सा अलग होना चाहिए जो हमारा नॉर्मल है, ये कुछ ज़्यादा ही अलग हो गया। मैं वाइट स्मोक कर देता हूँ, ये देखो ये डिफरेंट आ गया यहाँ पर। और मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, यहाँ पर मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ इस ग्रुप बॉक्स का। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ जी एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, यहाँ पे भी मैं यही डाल देता हूँ एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे यही डाल देता हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा और अभी मेरे पास जगह है। फॉर्म बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, बहुत बड़ा फॉर्म बेहतर नहीं होता। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बटन्स ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बटन में प्रॉपर्टीज में आता हूँ, और प्रॉपर्टीज में मैं यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे एम्परसेंट सबमिट लगा दो, इससे ये हमारा एस जो है हॉट की बन जाएगा। यदि तुम अल्ट एस करोगे तब तो ये काम कर जाएगा। तो मैं यहाँ पर सबमिट ले लेता हूँ, सबमिट के साथ मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब मैं यहाँ पर रीसेट ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आता हूँ, और सबमिट के साथ मैं यहाँ पर रीसेट जरूर ले लिया करो। जब कभी भी सबमिट लेते हो तो रीसेट लो, ओके लेते हो तो कैंसिल लो, यस लेते हो तो नो लो। तो ये चीज़ें जरूरी है ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखते हैं तो हमारा डिजाइनिंग थोड़ा सा बेहतर होता है। अदरवाइज जो हमारी डिजाइन बनती है वो थोड़ा सा अलग बन जाता है, वो देसी स्टाइल में बन जाता है ना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आता हूँ, और सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम्प्लॉय नंबर, प्रॉपर्टीज में आता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय। यहाँ पे हमें केस जरूर मेंटेन करनी है स्मॉल कैपिटल का। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एम्प्लॉय नंबर,
और एम्प्लाई नंबर में आप यहाँ पे क्या लोगे? तो मुझे यहाँ पे एम्प्लाई नंबर में केवल एम्प्लाई का नंबर ही तो चाहिए, तो मुझे ऐसा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसमें मैं केवल नंबर की एंट्री करूँ। तो यहाँ पे ले लो मास्क टेक्स्ट बॉक्स, मास्क टेक्स्ट बॉक्स में मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेट मास्क। ये देखो, अभी मैं यहाँ पे सेट मास्क कर दूँ तो न्यूमेरिक 5 डिजिट ये लेगा बस। अब ये केवल 5 डिजिट को लेगा। आप यहाँ पे मास्किंग कर सकते हो, सेट मास्क, आप जो भी करना चाहो, शॉर्ट डेट लेना है, फ़ोन नंबर लेना है, तो इस तरह से मास्किंग हो जाएगी। ये अभी हमारा है न्यूमेरिक 5 डिजिट, तो हमने यहाँ पे सेट मास्क में ये डाल दिया। और इसका फ़ायदा क्या है? अभी यदि मैं इसे रन करूँ तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि यहाँ पे तुम्हें वैलिडेशंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको वैलिडेशंस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद वैलिडेट रहता है ये। अदरवाइज क्या होता है कि भाई तुम टेक्स्ट बॉक्स लेते हो तो टेक्स्ट बॉक्स में तुम्हें वैलिडेशंस लगाना होता है। तो बेटर ऑप्शन विल बी कि मैं वहाँ पे मास टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर लूँ और मास टेक्स्ट बॉक्स को लेके मैं काम करूँ, तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, और ओपन होने के बाद ये देखो यहाँ पर ये देखो। अब मैं यहाँ पे ABCD डाल ही नहीं पाऊंगा, मैं जब भी डालूंगा तो एम्प्लाई नंबर डालूंगा और मैक्सिमम 5 डिजिट का होगा, तो ये इसका फायदा होगा। तो मैंने यहाँ पे एम्प्लाई नंबर ले लिया। अब मुझे यहाँ पे एम्प्लाई का नाम लेना है, तो मैं बोलता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैं यहाँ पे एम्प्लाई का नाम ले लेता हूँ। नाम में तो हमारे पास देखो कोई ऑप्शन नहीं है, हमें टेक्स्ट बॉक्स ही लेना पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स को कम से कम यूज करो अपने फॉर्म्स के ऊपर, कभी भी, चाहे ASP.NET हो चाहे C# हो, हमेशा टेक्स्ट बॉक्स कम से कम। देखो लिखना कोई पसंद नहीं करता है, हर एक आदमी आज के डेट में शॉर्टकट में विश्वास करता है, वो चाहता है भाई उसे कुछ लिखा हुआ मिल जाए, उससे उसका काम हो जाए। यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स ले लो, और मैं जब कभी भी टेक्स्ट बॉक्स लूँगा तो कम से कम मैं एक चीज़ इसमें जरूर डाल देता हूँ, मैक्स लेंथ। भाई कम से कम ये तो पता होगा कि भाई कितना साइज होना चाहिए। मान लो मैं बोल देता हूँ 20, ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैरेक्टर का होगा या 40 कैरेक्टर का होगा, अब इससे ज़्यादा नाम क्या होगा। तो ये जो अनलिमिटेड टाइप की साइज रहती है उसको हटा दिया करो, यहाँ पे मैक्स लेंथ डालो। अब मैंने यहाँ पे एम्प्लाई का नाम डाल दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब मुझे यहाँ पे क्या लेना है? एम्प्लाई की सैलरी लेनी है, तो मैं यहाँ पे एम्प्लाई का सैलरी डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एम्प्लाई सैलरी, मैं यहाँ पे सैलरी डाल देता हूँ। और जब कभी भी सैलरी लोगे तो सैलरी में भी हमें मास टेक्स्ट बॉक्स ही लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिक की वैल्यू ही जाएंगी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेट मास्क, और सेट मास्क में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कस्टम, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरीके से लगा देता हूँ, और मैं बोल देता हूँ RS। याद रखना जब कभी भी तुम लोग सैलरी लेते हो तो वहाँ पे तुम्हें ये बताना जरूरी हो जाता है कि भाई आप जो सैलरी देने जा रहे हो वो डॉलर में देने जा रहे हो कि रुपीज़ में देने जा रहे हो। अब रुपीज़ में कौन सा? तो भाई इंडियन रुपीज़ अलग है, पाकिस्तानी रुपीज़ भी होते हैं, नेपाली रुपीज़ भी होते हैं। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, जब कभी भी आप सैलरी डालते हो तो वहाँ पे आप कम से कम ये जरूर डाल दिया करो कि भाई हमारा जो मोड है वो क्या है, डॉलर है, यूनिट क्या है, डॉलर है, पाउंड है, रुपीज़ है, रुपीज़ में कौन सा रुपीज़ है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया रुपीज़। और ये स्टाइल होता है हमारे लिखने का। आप एम्प्लाई सैलरी आपने डाल दिया, एम्प्लाई सैलरी के बाद और आप क्या डालोगे यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी, इसका प्रॉपर्टीज में आता हूँ, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एम्प्लाई का जेंडर। तो मुझे यहाँ पे एम्प्लाई का जेंडर लेना है, तो जेंडर जो होता है ना वो हमारा यहाँ पे मास्क टेक्स्ट बॉक्स, यदि मैं इसे यूज़ करूँ तो वो हमारा ज़्यादा बेहतर है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मास्क टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पे मास्क टेक्स्ट बॉक्स का सॉरी, मैं यहाँ पे जेंडर लेना है, तो मुझे मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रुप बॉक्स, और ग्रुप बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आता हूँ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ जेंडर, ठीक। और ये जेंडर के अंदर, ये जो हमारा जेंडर है, जेंडर के अंदर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसका रेडियो बटन ले लेता हूँ। भाई मैं रेडियो बटन ले लूँगा, तो रेडियो बटन का फ़ायदा ये होता है कि दो में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। ये देखो मैं ये ले लेता हूँ, और एक और डाल देता हूँ रेडियो बटन। इसका फ़ायदा ये पूरे ग्रुप में से ये केवल एक ही सिलेक्ट होगा। तो मैं इसके टेक्स्ट में आता हूँ, चेंज कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये है, मैं इसको कर देता हूँ मेल, और ये जो है मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ फीमेल, ठीक। तो मैंने यहाँ पे मेल और फीमेल ले लिया, और इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। तो जब कभी आपको ये लेना हो तो आप इस तरीके से यूज़ किया करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और इसको थोड़ा सा अलाइन भी तरीके से कर लो, भाई यहाँ पर आ रहा है तो
इसको मैं उठा के इधर डाल देता हूँ, थोड़ा सा अलाइनमेंट सही रहना चाहिए। तो मुझे पता चल रहा है भी ये हमारा जेंडर है जो हमें यहाँ पे डालना है। अभी भी ये ज़्यादा एरिया ले रहा है बिना मतलब का। इसको थोड़ा सा और ऊपर करो, इसको भी थोड़ा सा और ऊपर करो, और इसको मैं और छोटा करूँ तब भी हमारा काम चले। ठीक, तो मैंने यहाँ पे जेंडर ले लिया। जेंडर में से इसमें से दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा। तो जब भी आपको रेडियो बटन लेना है तो ग्रुप बॉक्स के अंदर लिया करो। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मुझे यहाँ पे लेना है जी कंट्रोल सी कंट्रोल वी। मैं एक और ले लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे लेना है लैंग्वेज, तो मैं इसके प्रॉपर्टीज में आता हूँ और इस ग्रुप बॉक्स के प्रॉपर्टीज में यहाँ पे कर देता हूँ लैंग्वेज। और लैंग्वेज में तुम यहाँ पे क्या लोगे, मल्टीपल लैंग्वेजेस हो सकती हैं। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पे लेता हूँ भाई मल्टीपल ऑप्शन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन जब भी सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पे ले लो चेकबॉक्स। तो मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ चेकबॉक्स, प्रॉपर्टीज में आ जाओ। और इसके प्रॉपर्टीज में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, इसके प्रॉपर्टी में यहाँ पर डाल देता हूँ इंग्लिश। डाल दिया। मैं एक और ले लेता हूँ कंट्रोल से कंट्रोल भी, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इसके प्रॉपर्टीज में। मान लो मैं यहाँ पे एक और डाल देता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल भी, मैं यहाँ पे एक और डाल देता हूँ। और भाई मल्टीपल लैंग्वेज कोई जान सकता है, मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तमिल। तो मैंने यहाँ पे ये मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए ये ले लिया, और मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पर चेकबॉक्स आपने डाल दिया किस काम को करने के लिए, लैंग्वेज को लेने के लिए। तो जो भी हमें यहाँ पे लैंग्वेज लेना है हम यहाँ पे इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक, अब मुझे यहाँ पे क्या लेना है, मुझे यहाँ पे लेना है कंट्री कि कौन सा कंट्री में से वो बिलोंग करता है। तो मैं बोलता हूँ कंट्रोल सी, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कंट्रोल भी, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कंट्री। राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कंट्री। मुझे ये बताना है कि भाई वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है। तो कंट्री देखो, जब कभी भी लेबल हो तो यहाँ पे कॉलन जरूर लगा दिया करो, पता चलना चाहिए ना कि डिफ्रेंशिएट कैसे हो रहा है। देखो सब जगह मैंने यहाँ पे कॉलन ले रखा। और अब आप यहाँ पे ले लो लिस्ट बॉक्स, आप यहाँ पे ले लो लिस्ट बॉक्स। अब लिस्ट बॉक्स के प्रॉपर्टीज में आ जाओ, यहाँ पे करो एडिट आइटम। जो भी आइटम आपको यहाँ पे डालना है डाल दो। मान लो मैं बोलता हूँ कंट्री में इंडिया, मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ यूएसए, मान लो मैं बोलता हूँ यूके, मैं बोलता हूँ चाइना, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान। भाई इससे तुम्हारे खास पे आ रहे हैं, इनसे चाइना पाकिस्तान ये सब ना हो तो हमारा मज़ा ही ना। तो मैं इन सबको अब यहाँ पे इसको इस तरीके से अरेंज कर देता हूँ। ठीक, इस तरीके से मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। इसी तरह से कंट्री में, कंट्री के बाद मैं कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल भी करता हूँ। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ सिटी, अब मैं यहाँ पर लेता हूँ सिटी। भाई ठीक है, इंडिया से हो कहाँ से हो ये तो बताओ। अब मान लो मैं यहाँ बोल देता हूँ सिटी, और सिटी में मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे सिटी में ले लेता हूँ इसका, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ लिस्ट बॉक्स प्लस टेक्स्ट बॉक्स। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कॉम्बो बॉक्स, और कॉम्बो बॉक्स में यहाँ पर आइटम डाल दो एडिट आइटम। और मान लो मैं यहाँ पर सिटी में देता हूँ नोएडा, मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ गाजियाबाद, मान लो मैं बोलता हूँ दिल्ली, मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ कुछ और भी, मान लो मैं बोलता हूँ हैदराबाद। अब मान लो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। अब इसका फ़ायदा ये है कॉम्बो बॉक्स का कि इसमें तुम सेलेक्ट भी कर सकते हो, तुम लिख भी सकते हो। ये देखो, अरे मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, तो चूंकि तुमने यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स लिया है तो कॉम्बो बॉक्स का एडवांटेज ये है कि तुम इसमें सेलेक्ट भी कर सकते हो, मतलब ये लिस्ट बॉक्स की तरह भी काम करेगा, प्लस ये टेक्स्ट बॉक्स की तरह भी काम करेगा। तो कॉम्बो बॉक्स का मतलब होता है लिस्ट बॉक्स प्लस टेक्स्ट बॉक्स। तो जब कभी भी ये देखो, अब मैं यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ। मान लो यहाँ पर सिटी नहीं है, मुझे मेरठ लिखना है, यहाँ पर लिख दो यहाँ पर मेरठ। तो ये चीज़ें फ़ायदा होती हैं कॉम्बो बॉक्स का। तो कॉम्बो मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिस्ट बॉक्स प्लस टेक्स्ट बॉक्स। ठीक, अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। ये देखो, अब मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ यार, ये मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये ब्लैंक आ जाता है। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे कोड में क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कोड में क्या कर देता हूँ,
मैं यहाँ पे कोड में कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉम्बो बॉक्स वन, मुझे कॉम्बो बॉक्स में कुछ डालना है तो मैं बोलता हूँ कॉम्बो बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट इंसर्ट, इंसर्ट करना है कॉम्बो बॉक्स वन डॉट आइटम डॉट इंसर्ट। अब आपको इंसर्ट करना है, कहाँ पे इंसर्ट करना है, जीरो पोजीशन में इंसर्ट करना है, और आप क्या चाहते हो उसमें लिखा हुआ हो। मैं चाहता हूँ कम से कम ये तो लिखा हुआ हो, प्लीज सेलेक्ट, भाई कम से कम वहाँ पे ये आ जाए तो तसल्ली हो जाए कि भाई अच्छा ब्लैंक नहीं है, बोल रहा है जी सेलेक्ट करने के लिए। और मैं ये भी चाहूँगा कि बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्टेड रहे, तो मैं बोलता हूँ कॉम्बो बॉक्स वन डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स, और सेलेक्टेड इंडेक्स मैं यहाँ पर कर देता हूँ जीरो। अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा वहाँ पे सेलेक्टेड इंडेक्स जीरो रहेगा, तो वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे सेलेक्ट हो गया है, तो थोड़ा देखने में बेहतर लगता है, अदरवाइज वो ब्लैंक होकर आ जाता है तो फिर हमें समझ भी नहीं आता यार वहाँ करना क्या है। तो अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, ये देखो आ रहा है ना प्लीज सेलेक्ट, तो इसमें से मैं यहाँ पे उठा सकता हूँ या फिर मैं जो भी हमें करना हो। ये प्लीज सेलेक्ट सबसे ऊपर आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पर डाल दिया था, कहाँ पे मैंने इंसर्ट करा था, जीरो पोजीशन पे इंसर्ट करा था। चलिए ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या ले लूँ जिससे कि आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएं। लिस्ट बॉक्स आपने देख लिया, कॉम्बो बॉक्स आपने देख लिया, ड्रॉप डाउन देख लिया, आपने यहाँ पे चेक बॉक्स देख लिया। चलो मैं काम करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल सी, मैं आप बोलता हूँ कंट्रोल वी, और मैं यहाँ पे लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ डेट ऑफ बर्थ, और ये जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, ये जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, अब डेट ऑफ बर्थ में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे कैलेंडर चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेट टाइम पिकर, यहाँ पे एक होता है डेट टाइम पिकर, तो मैं यहाँ पे डेट टाइम पिकर ले लेता हूँ, और डेट टाइम पिकर में हमें क्या चाहिए, कैलेंडर चाहिए, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसके प्रॉपर्टीज में आता हूँ, और यहाँ पर ले लोगे फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में बाय डिफॉल्ट देखो ये इस फॉर्मेट में आ रहा है वेडनेसडे मईट, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये लॉन्ग है ना, लॉन्ग को उठा के मैं कर देता हूँ कस्टम, और ये जो कस्ट, अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कस्टम फॉर्मेट, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कस्टम फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट में उठा के डाल दो जो हमारा इंडियन फॉर्मेट है, DD/MM/YY, ठीक। अब हमारा डेट इस तरह से आएगा, लेकिन अभी भी एक समस्या है, समस्या ये है कि भाई अभी तुम कोई भी डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो यार, ये तो गलत है ना, जो हमारा मैक्सिमम डेट होगा क्या होगा, आज का डेट तो होगा नहीं भाई, कोई भी आदमी जन्म लेने के साथ ही आपकी कंपनी में तो काम करेगा नहीं, तो कम से कम यहाँ पे मैक्स डेट सेट कर दो। मैं यहाँ पे देता हूँ भाई 2000, कम से कम 20 साल का तो हो, ये हमारा मैक्स डेट हो गया। और मैं यहाँ पे मिनिमम डेट देता हूँ भाई, कोई भी आदमी रहता तो होगा नहीं कि 1857 में जन्म लेके आप यहाँ पर काम कर रहा हो, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर डाल दो मेन डेट, और मेन में ये देखो 1753 से स्टार्ट हो गई है, तो भाई मेरे इतना बुढ़े आदमी का मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1960 डाल देता हूँ, मतलब यहाँ पे इस डेट के बीच में जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो होगा हमारा। तो यहाँ पे मैंने ये डेट टाइम पिकर ले लिया। डेट टाइम पिकर की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, यदि हमें ये कैलेंडर बनाने पड़ जाए तो बहुत दिक्कत होती है बॉस। अब आपको यहाँ पर देखो सबसे अच्छी बात यह है कि ये कैलेंडर बन के आ गया आपके सामने, अब आपको कुछ करना नहीं है, ये देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब तुम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, ये देखो ये देखो ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा काम कर रहा है, जो भी आप यहाँ पे डालना चाहो यहाँ पे डाल सकते हो, समझ में आई बात। अब ये तो आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और चीज़ों को आपने अरेंज कर दिया, कुछ और भी चीज़ें हम डालते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कुछ और डालना है, क्या डालना है, चलो डाल के देखते हैं भाई क्या और डाल सकते हैं हम यहाँ पे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ पिक्चर बॉक्स, कम से कम उस इंसान का पिक्चर तो दिखा दो भाई, जिस एम्प्लॉय का डिटेल तुम डाल रहे हो उसकी पिक्चर तो दिखा दो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैं चाहूँगा कि भाई ये अपना पिक्चर दे दें भाई साहब, तो एम्प्लॉय पिक्चर मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि उनकी तस्वीर कैसी होगी, तो मैं उनकी तस्वीर को यहाँ पर दिखा देता हूँ जी एम्प्लॉय पिक्चर। और पिक्चर में क्या है कि भाई मैं यहाँ पे हमारा पिक्चर लोड होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा पिक्चर लोड कहाँ से होगा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि एक बटन ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ लिंक लेबल, और लिंक लेबल में यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रॉपर्टीज़, मैं यहाँ पे बोलता हूँ लोड पिक्चर, लोड,
पिक्चर को लोड कर दो। तो अब ये कहाँ से लोड करेगा? तो यहाँ पर लोड के क्लिक पे यहाँ पे कोड लिखो। तो लोड के क्लिक पे मैं क्या चाहता हूँ, किसी पिक्चर को सेलेक्ट कर दूँ वो यहाँ आ जाए। तो आपको यहाँ पे लेना होगा भाई, आपको उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना होगा, उस फाइल को सेलेक्ट करना होगा। तो देखो हमारे पास यहाँ पर डायलॉग्स होते हैं, हमारे पास यहाँ पर डायलॉग है, ये ओपन फाइल डायलॉग है, ये कलर डायलॉग है, ये फोल्डर ब्राउज डायलॉग है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ओपन फाइल डायलॉग, नीचे में आ गया। अब मैं यहाँ पर लोड पे बोलता हूँ, मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ ओपन फाइल डायलॉग 1.100 डायलॉग। उस डायलॉग को कम से कम 100 तो कर दो। अब 100 करने के बाद मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ पिक्चर बॉक्स वन डॉट पिक्चर इज इक्वल टू डॉट इमेज इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, इमेज डॉट फ्रॉम फाइल। कहाँ से लेना है तो फाइल का नाम डाल दो। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ जी ओपन फाइल डायलॉग 1.फाइल ने, जो फाइल मैंने वहाँ से सेलेक्ट करा था वही तो लेना है मुझे। तो अवधि मैं इसको रन करूँ यहाँ पर, अवधि मैं इसको यहाँ पर रन करूँ, तो जब मैं यहाँ पर आता हूँ इस फॉर्म पे, तो यहाँ पर आता है लोड, और लोड में ये देखो मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ। तो ये जो पिक्चर है हमारा ये आ जाना चाहिए। ये भाई साहब आए क्यों नहीं, चेक कर लेते हैं, ये भाई साहब क्यों नहीं आए, ये भाई साहब तो आ ही नहीं रहे। ये इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे पिक्चर बॉक्स 1 डाल दिया। ये हमारा पिक्चर बॉक्स 1 तो ये है, ये हमारा पिक्चर बॉक्स 2 होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पिक्चर बॉक्स 2.इमेज डालता हूँ। अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पर, अरे मैं यहाँ पर बोलता हूँ लोड, और मैं ये भाई साहब ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये भाई साहब आ गए। लेकिन ये भाई साहब आ तो रहे हैं, लेकिन ये इनका पूरा चेहरा छिपा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई चेहरा इनका छिपे ना। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ पिक्चर बॉक्स 1.इमेज इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि भाई जो हमारा पिक्चर आना चाहिए कॉमा, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ पिक्चर बॉक्स 1 डॉट मैं काम कर देता हूँ। ये जो हमारा इमेज है, प्रॉपर्टीज में मैं आता हूँ, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, साइज मोड। मैं यहाँ पे साइज मोड को कर देता हूँ स्ट्रेच इमेज, ये इमेज को स्ट्रेच कर देगा। अब यदि मैं इसको रन करूँ, अब मैं ये लोड करूँ यहाँ पे जो भी मैं इमेज लूँ, तो अभी हमारा सही आ रहा है। मैं जो भी इमेज यहाँ पे लूँगा वो इमेज हमारा यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन दिक्कत आती है कि शुरुआत में तो वहाँ कुछ दिखता ही नहीं है, ब्लैंक रहता है। तो ब्लैंक भी बेहतर नहीं है ना, एक काम करो यहाँ पे एक नो इमेज बना लो। एक नो इमेज की भी तो इमेज होती है, नो इमेज। अब देखो ये हमारा नो इमेज है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं कहीं डाल देता हूँ। फ़िलहाल मैं मान लो यहाँ पे ई ड्राइव में डाल देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ मैं, क्या नाम है उसका जो आपने यहाँ पे कॉपी किया था, कहाँ पेस्ट कर दिया मैंने,
फिर से ले लो एक बार। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ नो इमेज, बाय डिफ़ॉल्ट खाली नहीं रहना चाहिए, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नो इमेज। ये देखो आ रहा है नो इमेज, तो ये हमारा नो इमेज का इमेज है। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज एज। कहाँ पे सेव करना है तो मैं ई ड्राइव में सेव कर लेता हूँ डाउनलोड डॉट पी एन जी के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़, और मैं यहाँ पर बोल देता हूँ इमेज, और इमेज में मैं यहाँ पर क्या बोल देता हूँ, ई ड्राइव के अंदर था कौन सा फाइल हमारा, डाउनलोड करके फाइल था, तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ डाउनलोड। तो कम से कम ऐसा होगा ना कि शुरुआत में हमारी पिक्चर कुछ इस तरह से दिखेगी। अब यहाँ पे मैसेज आ रहा होगा ना नो इमेज अवेलेबल, तो सामने वाला समझ जाएगा अच्छा भाई इमेज नहीं है, ठीक है। अब देखो अदरवाइज पहले क्या आ रहा था, वो ब्लैंक आ रहा था, तो ब्लैंक नहीं आना चाहिए ना कुछ तो हो वहाँ पर भाई। शुरुआत में तो आप यही दिखाओगे कि इमेज अवेलेबल नहीं है। ये देखो अब जैसे मैं यहाँ पर इमेज लेता हूँ, मैं यहाँ पर लोड कर देता हूँ इस इमेज को, इमेज आ गया जी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर उसका इमेज भी डाल दिया। और अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई आपने एम्प्लॉय का पिक्चर भी ले लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल जेड कर दो, और भी आपको कुछ लेना है तो आप यहाँ पे ले लो। और मैं फ़िलहाल अभी इसको यहीं पे समराइज़ कर देता हूँ, सबमिट और रिसेट बटन मैं यहीं पे डाल देता हूँ, कि आप यहाँ पे सारा काम करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट बटन पे क्लिक करें। और जब मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये डेटा हमारा क्या होना चाहिए, ये डेटा हमारा दिखना चाहिए, या चलो यहीं पर बेहतर है मैं यहीं रख लेता हूँ, तो जो डेटा आपने डाला है वो दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम है कि यहाँ से वैल्यू को आप उठाओ के दिखाओगे कैसे, तो भाई आप कैसे दिखाओगे, तो मैं यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ। और सबमिट बटन पे मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग ENO इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलता हूँ मास्क टेक्स्ट बॉक्स 1.txt। भाई आपने यहाँ पर टेक्स्ट ले लिया और क्या, भाई आपने यहाँ पर फिर से कनेक्ट पे, यदि डिसकनेक्ट हो जाएगा तो फिर से कनेक्ट कर लेना, उसी पे क्लिक कर। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग ENM इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1.txt। आप जरा गौर से देखो वैल्यू हम उठाते कैसे हैं। इसी तरह से मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग SL इज इक्वल टू सैलरी इज इक्वल टू मास टेक्स बॉक्स 2.txt, मास टेक्स बॉक्स 2.txt डॉट टेक्स्ट। और तो आपने यहाँ पे नाम ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। अब मुझे जेंडर उठाना है, तो जेंडर आप कैसे उठाओगे, तो मैं यहाँ बोलता हूँ स्ट्रिंग सेक्स इज इक्वल टू नल। अब मैं बोलता हूँ इफ रेडियो बटन 1.checked इज इक्वल टू ट्रू, भाई यदि आपने पहला रेडियो बटन सेलेक्ट कर लिया है देन सेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक्स इज इक्वल टू रेडियो बटन 1.txt, अदरवाइज जो हमारी सेक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यदि आपने पहले बटन को सिलेक्ट नहीं करा तो अदरवाइज हमारे यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ बोलते हैं else इज इक्वल टू, else में मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेक्स इज इक्वल टू रेडियो बटन 2.txt, ये हमने डाल दिया, तो हमारा सेक्स भी आ गया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे क्या लेना है, इसका लैंग्वेज लेना है। लैंग्वेज में मल्टीपल सिलेक्शन हो सकता है, तो आप लैंग्वेज वेरिएबल्स को कैसे स्टोर करोगे, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ स्ट्रिंग लैंग इज इक्वल टू नल, ठीक। अब मैं बोलता हूँ इफ चेक बॉक्स 1.checked इज इक्वल टू ट्रू, यदि पहले वाले चेक बॉक्स को आपने चेक कर दिया है देन हम यहाँ पे क्या बोलते हैं लैंग इज इक्वल टू चेक बॉक्स 1.txt, क्या दिक्कत है इसमें, भाई मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यदि तुमने दूसरे वाले चेक बॉक्स को भी यहाँ पे चेक कर लिया है, अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ इफ़ चेक बॉक्स 2.checked इज इक्वल टू ट्रू, देन मैं यहाँ पे बोलता हूँ लैंग इज इक्वल टू लैंग प्लस, यानी कि जो पुराना है वो तो रहेगा ही, प्लस उसके अंदर हमारा जो चेक बॉक्स 2 की वैल्यू है वो भी आ जाएगी। इसी तरह से यदि मान लो मेरे पास तीसरा चेक बॉक्स भी यदि आपने चेक कर दिया है तब क्या होगा, तो मैं बोलता हूँ इफ़ चेक बॉक्स 3.checked इज इक्वल टू ट्रू, देन मैं यहाँ बोलता हूँ लैंग इज इक्वल टू लैंग प्लस चेकबॉक्स 3.txt। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ये निकल के सामने आ गया, ठीक। तो मैंने तीनों चेकबॉक्स से भी वैल्यू उठा ली है, तो मैंने लैंग्वेज भी उठा लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कंट्री लेना है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लिस्ट बॉक्स है। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं स्ट्रिंग और मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ कंट्री इज इक्वल टू
मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग कंट्री इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, लिस्ट बॉक्स, जो हमारा लिस्ट बॉक्स का नाम था, लिस्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, जो भी आपका टेक्स्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे, क्या दिक्कत है। इसी तरह से मुझे यहाँ पे कंट्री के बाद यहाँ पे क्या लेना है, सिटी लेना है, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिटी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, कॉम्बो बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। बहुत ही आसान है इन चीज़ों को लेना, ये देखो सब में डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट लगाते रहो। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मुझे यहाँ पे डेट टाइम पिकर से वैल्यू लेना है, तो मैं यहाँ बोलता हूँ स्ट्रिंग डी ओ बी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलता हूँ डेट टाइम पिकर वन डॉट टेक्स्ट। अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, सबमिट डॉट टेक्स्ट लगाते जाओ। अब मुझे यहाँ पे इमेज का भी नाम लेना है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, स्ट्रिंग स्ट्रिंग आई एम जी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ओपन फोल्डर वन, ओपन फाइल डायलॉग वन डॉट, ओपन फाइल डायलॉग वन डॉट, ये हमने लिया था ओपन फाइल डायलॉग वन, यहाँ पे क्या था हमारा पास, या हमारा ये था यहाँ पे स्ट्रिंग आई एम जी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलता हूँ ओपन फाइल डायलॉग वन डॉट। अब मुझे यहाँ पे क्या लेना है, डॉट फाइल नेम डॉट टू, चलिए फाइल नेम भी बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही लेगा, तो ये हमारा यहाँ पर फाइल नेम भी आ गया। तो मैंने सारे वैल्यूज यहाँ पर उठा के डाल दिए। अब मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यूज है, इस वैल्यूज को मैं, बड़ा आसान सा काम है, मैं मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवा दूँ। लेकिन मैं मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले नहीं करवाना चाहता हूँ भाई, मैसेज बॉक्स में तो इसके मास्टर आदमी हो तुम लोग, यहाँ पर बोल दोगे मैसेज बॉक्स डॉट शो और यहाँ पे डलवा दो, और क्या भाई, आप यहाँ पे बोल दोगे ई एन ओ, एम्प्लाई नंबर आ गया प्लस, अब आप यहाँ पे क्या ले लोगे ई एन एम, यहाँ पे एम्प्लाई का नाम आ गया प्लस, अब यहाँ पे क्या आप ले लोगे एस एल सैलरी ले लो प्लस, अब यहाँ पे क्या ले लोगे आप कंट्री ले लो, कंट्री भी आ गया प्लस, अब आप यहाँ पे क्या ले लोगे, अब आप यहाँ पे क्या लोगे सिटी लोगे, आप सिटी ले लो, मतलब मेरे कहने का मतलब जो भी वैल्यूज लेना है, और आप यहाँ पे जेंडर लेना चाहते हो तो प्लस आप यहाँ पे सेक्स वाला जो वैल्यू था वो ले लो, प्लस आप यहाँ पे और भी जो लेना है, और क्या लेना है मुझे, लैंग्वेज लेना है, यहाँ पे लैंग्वेज ले लो। तो दुनिया भर की तमाम चीज़ें आपने ले ली और यहाँ पे आपने डिस्प्ले करवा दिया, बड़ी अच्छी बात। अब यदि मैं इसको रन करूँ, करके देख लेता हूँ कि भाई क्या हो रहा है वो। अब देखो मैं यहाँ पे एम्प्लॉई नंबर डालता हूँ, एम्प्लॉई नंबर डालता हूँ 1001, एम्प्लॉई का नाम डालता हूँ, मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ, मैं यहाँ पे एम्प्लॉई का सैलरी डालता हूँ, ये राजी हमारा सैलरी, मैं मेल डालता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है, ये बेचारे यूएसए से बिलोंग करते हैं, इनका कंट्री जो है गाजियाबाद है, और ये डेट ऑफ बर्थ हमारा ये है, ठीक है। और मैं यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ, देखो हमारा एम्प्लॉई नंबर भी आ गया, एम्प्लॉई का नाम भी आ गया, हमारा सैलरी भी आ गया, हमारा कंट्री भी आ गया, सिटी भी आ गया, हमने मेल सेलेक्ट किया था मेल भी आ गया, और मैंने यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी लिया था ये दोनों भी आ गया, तो ये सारी चीज़ें हमारे निकल के यहाँ पे सामने आ गई। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो डेटा तुमने यहाँ पे लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेटा को आप उठाओगे कैसे, कैसे देखोगे। मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है, इन तमाम डेटा को मैं किसी फाइल में लिख के रख दूँ तो अच्छा रहेगा ना, तो मैं काम करता हूँ मैं फाइल में लिख देता हूँ, मैसेज बॉक्स तो चलो ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फाइल हैंडलिंग, कि फाइल में डेटा कैसे डालोगे। तो फाइल में डेटा डालना है तो बड़ा आसान सा काम है, आप यहाँ पे करोगे यूजिंग, मैं यहाँ पे बोलता हूँ यूजिंग, और मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिस्टम डॉट आई ओ इनपुट ऑन। अब आपको करना क्या है भाई, फाइल क्रिएट ही तो करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्ट्रीम राइटर, यहाँ पे क्लास होता है स्ट्रीम राइटर, हम बोलते हैं स्ट्रीम राइटर एस आर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम राइटर, मैं यहाँ पे बोलता हूँ न्यू स्ट्रीम राइटर, ठीक। और कौन सा फाइल आप लेना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ ई ड्राइव के अंदर, और किस नाम से फाइल बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ डेटा डॉट टी एक्स टी के नाम से, ठीक। सॉरी, तो मैंने यहाँ पे डेटा डॉट टी एक्स टी के नाम से एक फाइल बना लिया, और इस फाइल के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस आर डॉट राइट, या राइट लाइन कर दो, और राइट लाइन में थोड़ी इज्जत के साथ लिख दो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर, और जो हमारा एम्प्लॉय नंबर है वो क्या है प्लस, ये ठीक।
तो जैसे मैंने इज्जत के साथ यहाँ पे ये लिखा, बाकी चीज़ भी तुम इज्जत के साथ लिख दो। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ SR डॉट राइट लाइन, तो मैंने यहाँ पे एम्प्लाई नंबर लिख दिया, मैं यहाँ पे एम्प्लाई का नाम ले लेता हूँ, है ना, मैं यहाँ पे एम्प्लाई की सैलरी ले लेता हूँ, एम्प्लाई की सैलरी ले लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे एम्प्लाई का जेंडर ले लेता हूँ, है ना। तो जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे बड़े इज्जत के साथ यहाँ पे लिख दो। और मैं यहाँ पे एम्प्लाई का कंट्री लिख लेता हूँ, या मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिख लेता हूँ जो भाई साहब को आता है। तो ये हमारा क्या था, यहाँ पे एम्प्लाई नेम के लिए मैंने कौन सी वेरिएबल ली थी, ENM लिया था मैंने। सैलरी के लिए हमने कौन सी वेरिएबल लिया था, SL लिया था मैंने। जेंडर के लिए कौन सी वैल्यू ली थी, सेक्स लिया था मैंने। और यहाँ पे लैंग्वेज के लिए कौन सी वैल्यू ली थी, वेरिएबल ली थी, लैंग लिया था आपने। ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे लिख दी। लिखने के बाद एक काम कर लो, यहाँ पे कर दो SR डॉट क्लोज, क्लोज कर दो जी, काम ख़त्म। और एक मैसेज दे दो, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ मैसेज बॉक डॉट सो, मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैसेज बॉक डॉट सो, और मैं यहाँ बोलता हूँ डेटा सेव। मैं डेटा आपका फाइल में जाके सेव हो गया। अब मैं इसको यदि रन करूँ यहाँ पे, अब यदि मैं इसे ये रन करता हूँ, ये देखो ये हमारा एम्प्लॉय नंबर है, ये हमारा एम्प्लॉय का नाम है, ये हमारे यहाँ पे सैलरी है, जो भी हमें यहाँ पे सैलरी डालनी है, ये हमारे यहाँ पे मेल है, इंग्लिश हिंदी तमिल तीनों आता है उसको, ये भाई साहब इंडिया से बिलोंग करते हैं, और ये भाई साहब हमारे गाज़ियाबाद के हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ ये है। और मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, मैसेज आ गया डेटा सेव्ड। अब यदि मैं यहाँ पे जाके देखूँ ई ड्राइव के अंदर डेटा डॉट टी एक्स टी के नाम से एक फ़ाइल बनी होगी, देखो ई के अंदर डेटा डॉट टी एक्स टी के नाम से एक फ़ाइल बनी होगी, ये देखो डेटा डॉट टी एक्स टी के नाम से फ़ाइल बनी, और इसके अंदर आपने ये देखो जब मैंने उस प्रोग्राम को यहाँ पर रन करा तो उसने एक फ़ाइल बना दिया, और फाइल के अंदर सारे डेटा को उठा के यहाँ पे उसने डाल दिया। तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे डेटा को यहाँ पर फाइल के अंदर स्टोर करवा लिया, और भी बाकी जो चीज़ें हैं उनको आप यहाँ पर स्टोर करवा सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक काम और कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे फॉर्म टू में आता हूँ। भाई आपने फ़ाइल तो सेव कर, मतलब फ़ाइल आपने बना दिया, तो मैं चाहता हूँ कि भाई फ़ाइल को मैं रीड भी कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ, और बटन के ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक ले लेता हूँ यहाँ पे, एक होता है बटन और एक होता है लिंक बटन, ये देखो लिंक, एक होता है लेवल, एक होता है लिंक लेवल। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ रीड फाइल, मैं यहाँ पे एक ऑप्शन कोने में डाल देता हूँ कि भाई फ़ाइल को रीड तो करवा दो कम से कम। तो मैं यहाँ बोलता हूँ रीड फाइल, डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी फाइल आपने बनाया था उसको रीड तो कर लो कम से कम, तो मैं यहाँ पे रीड फाइल पे कोड लिखता हूँ। तो जिस तरीके से फाइल में राइट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रीम राइटर, इसी तरीके से फाइल को रीड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रीम रीडर। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रीम रीडर SR इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रीम रीडर SR इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम रीडर, जो भी हमारे फाइल का नाम है, और फाइल का नाम डाल दो यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट सो, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ SR डॉट रीड टू एंड, शुरू से लेकर लास्ट तक सबको रीड कर लो जी, अच्छी बात है भाई, रन कर देना। अब तुम देखना चाहते हो कि भाई तुम्हारे टेबल में जो पुराना रिकॉर्ड है वो कौन सा है, तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर रीड डेटा करो, आप यहाँ पर रीड डेटा करो, ये दिखा दिया उसने, आपने ये टेबल में ये पुराना रिकॉर्ड आपने डाल रखा था टेबल के अंदर। और अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, ये तो तुमने यहाँ पर रीड करके दिखा दिया, वो एक काम कर लो फाइल को क्लोज जरूर कर दिया करो कोई भी ऑपरेशन करने के बाद। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो डेटा आ रहा है ना, इसको क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इस डेटा को मैं यहाँ पर शो करवा दूँ। तो मैं काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रिच टेक्स्ट बॉक्स। रिच टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो टेक्स्ट बॉक्स का बड़ा भाई है, जो हमारा रिच टेक्स्ट बॉक्स है वो टेक्स्ट बॉक्स का बड़ा भाई। यहाँ पे मतलब मल्टी लाइन चीज़ें आप लिख सकते हो, काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी हमारा डेटा है वो रिच टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए, तो मुझे एक साथ सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर रीड फाइल में यहाँ पर कोड लिखता हूँ, तो जहाँ पर तुम मैसेज बॉक्स डॉट सो लिख रहे थे ना, तो मैं वहाँ पर डाल देता हूँ रिच टेक्स्ट बॉक्स वन, रिच टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू SR डॉट रीड टू एंड, शुरू से लेकर लास्ट तक सबको रीड करके यहाँ पर डाल दो, रन करो।
अब जैसे ही मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि भाई हमारा पुराना रिकॉर्ड क्या था, रीड फाइल करो, ये देखो ये थी जी आपकी पुरानी रिकॉर्ड। तो मैंने यहाँ पे आपको ये भी बता दिया फाइल को रीड कैसे करोगे, मैंने बता दिया फाइल को रिच टेक्स्ट बॉक्स में कैसे दिखाओगे, मैंने बता दिया फाइल क्रिएट कैसे करोगे, मैंने बता दिया कि ये जो कंट्रोल्स हैं हमारा, इन कंट्रोल्स को यूज़ करके आप काम कैसे करोगे, भाई कैसे चेकबॉक्स से वैल्यू उठाओगे, कैसे रेडियो बटन से उठाओगे। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हमें यही काम करना होता है। चलो अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिक्वेंस में लाते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा फॉर्म खुलना चाहिए, फॉर्म वन खुलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्टार्टअप फॉर्म चेंज कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ फॉर्म वन। और फॉर्म वन में यदि आपने सब कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी से सब कुछ सही कर दिया तो क्या होना चाहिए, हमारा फॉर्म टू खुल के सामने आना चाहिए। रन करो। तो अब ये जो है हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। ज़रा गौर से देखो, सबसे पहले मेरे पास ये आ गया और मैंने यहाँ पे दिया यूजर नेम, मान लो ABCD, मैंने पासवर्ड दे दिया ABCD। अब मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ, ये देखो ये मैच करा और प्रोग्रेस बार चली। अब हमारे सामने हमारे ये फॉर्म खुल के यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने का जो प्रोसेस है वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद फिर आगे कुछ करेंगे और आगे जो हमारा एजेंडा होगा वो एजेंडा होगा कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कलेक्शंस को कैसे यूज करेंगे, कलेक्शन कैसे यूज करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस कलेक्शन के अंदर हम लोग बात करेंगे हैश टेबल, एरे लिस्ट, नेम वैल्यू कलेक्शन लिस्ट, इन चीज़ों को यूज़ करना बात करेंगे। और हम वहाँ पर थोड़ी सी फाइल हैंडलिंग के बारे में और भी बातें करेंगे। अभी तो मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया कि भाई कैसे काम करते हैं। तो ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद एक चीज़ और है हमारा जो एरर हैंडलिंग है, इसको लेके भी हम काम करेंगे, एरर हैंडलिंग एंड डिबगिंग। मैंने आपको स्ट्रिंग हैंडलिंग के अंदर डिबगिंग बताया था, थोड़ी बहुत आपको याद होगी। तो हम लोग एरर हैंडलिंग एंड डिबगिंग भी करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट एजेंडा है। फिलहाल जो है हमें, मतलब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, जो हम लोग का सेशन होगा, उसमें हमें ये करना है, कलेक्शंस करना है, फाइल हैंडलिंग करनी है, एरर हैंडलिंग एंड डिबगिंग करनी है। ये तीन चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, ADO.NET। तो एक से दो सेशन के बाद हम लोग ADO.NET पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है, ये सारी चीज़ों का जो कोड है, मैं ये कोड आपको मेल कर देता हूँ या मैं अभी वीडियो डालूँगा इमीडिएट, तो ये वीडियो आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये कोड वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप ये कोड उठा लेना और वीडियो, यदि कोई दिक्कत होगी तो वीडियो से आपको समझ में आ जाएगी कि काम कैसे करना है, ठीक है।